हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल विकास इंस्टीट्यूट में। मैंने पिछले क्लास में बिहार दरोगा का, बिहार का अर्थव्यवस्था नहीं सॉरी बिहार का भूगोल का बारे में बताया था, और आज मैं आपको बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में बताऊंगा। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का मेरा क्वेश्चन है, बिहार एक कृषि प्रधान प्रदेश है, ये पता है आपको, यानी कि जब भारत ही है तो बिहार भी है। बिहार पूर्ण गठन के बाद भी कृषि ही जीविका का प्रमुख साधन था, यानी जब बिहार का पूर्ण गठन हुआ था 1912 में, उसके बाद ही भी ये क्या है, कृषि जीविका का ही प्रमुख साधन है। वर्तमान में भी 78.7% लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं, यानी बिहार के लोग बताइए 78.7% लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं। बिहार में कृषि उत्पादन को प्रभावित करने वाले भूमि सुधार के महत्वपूर्ण कदम 1954 का भूदान यज्ञ अधिनियम हुआ, जो विनोबा भावे द्वारा चलाया गया था। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए जरा। भूखंड के विभाजन और बिखराव से पैदा स्थिति के कारण कृषि अलाभकारिता को दूर करने और आधुनिक कृषि उद्योगी के कार्यान्वयन की आधारशिला निर्मित करने के लिए बिहार राज्य चकबंदी अधिनियम 1956 में पारित किया था। बिहार सरकार ने भूमि अधिसीमा अधिनियम 1961 में पारित हुआ। बिहार में सहकारी कृषि को विकसित करने का प्रयास 1952 में प्रारंभ किया। बिहार राज्य में 42.65 लाख हेक्टेयर भूमि बाढ़ से प्रभावित है, बताइए, और औसतन 14.48 लाख हेक्टेयर भूमि में बाढ़ का आक्रमण होता है, इतना आक्रमण होता है पानी से, बताइए। लगभग 26.1 लाख हेक्टेयर अर्थात कुल भौगोलिक क्षेत्र का 15% भूमि पड़ती रह जाती है, ऐसा ही बिना कुछ लगा हुआ है। बिहार में प्रति भूमि कृषि विकास में बहुत बड़ा अवरोधक है। बिहार में मात्र 81.3 लाख हेक्टेयर या 48.2% भूमि शुद्ध बुआई के क्षेत्रफल का है, मतलब इतना 81.3 या 48.2%। कृषि की फसल की सघनता और औसत 138% है। सभी फसलों को मिलाकर 105 लाख हेक्टेयर में वर्तमान में फसल उत्पादन करता है ये बिहार। बिहार राज्य में मिट्टी सर्वेक्षण का कार्य 1954 से लेकर 1966 के बीच हुआ, और बिहार में 22 प्रकार की भूमि का वैज्ञानिक समूह चिन्हित किया गया, 22 प्रकार का। केंद्र सरकार ने शीघ्र ही बिहार में एप्रेल नामक एवं एज इन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन बनाने का निर्णय किया है। बिहार उद्योग विभाग के अनुसार अप्रैल पार्क भागलपुर तथा बांका में एज, हाजीपुर तथा मुजफ्फरपुर में बनाया जाएगा। बिहार में घरेलू उत्पादन 38.1% आर्थिक आय कृषि एवं संलग्न क्षेत्र में आता है, जिसमें 28% सिर्फ कृषि में आता है, 7.2% पशुपालन से, 0.75% मछली पालन से और 0.85% वन से प्राप्त होते हैं। पशुपालन से 7.2, मछली से 0.75 और वन से 0.85। बिहार में कुल 9 लाख हेक्टेयर भूमि जल जमाव की समस्या से प्रभावित है, जिसमें 8 लाख हेक्टेयर उत्तर बिहार में है और 1 लाख गंगा नदी से छठे फतुहा में लखीसराय तक मोकामा टाल का क्षेत्र है। बिहार राज्य सरकार के अनुसार बिहार में बाढ़ संभावित 6.47 मिलियन हेक्टेयर है। अब तक बिहार में लगभग 2.07 मिलियन हेक्टेयर में बाढ़ से बचने के उपाय किए गए हैं, जो बाढ़ संभावित क्षेत्र के आधे से भी कम है। बिहार में कुल जोत जो जुताई खेत जो होता है जुताई का प्रतिशत, यानी जो उस पर कृषि होती है, 35% भूमि ही सुनिश्चित है, जबकि कृषि के लिए सिंचाई बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। 1946 से 1947 में बिहार में 2.07 लाख जमींदार थे, जिन्हें 1950 के भूमि सुधार अधिनियम को 1952 में लागू कर जमींदारी प्रथा उन्मूलन किया। 1956 में बिहार चकबंदी अधिनियम तथा 1961 में बिहार भूमि अधिग्रहण अधिनियम पारित तो किए गए, किंतु इसका कार्यान्वयन संतोषप्रद नहीं रहा, सेटिस्फाइड नहीं से रहा। भारत में हरित क्रांति का आरंभ, ये भी क्वेश्चन है पूछा हुआ, 1966-67 में हुआ। इसी के साथ बिहार में भी हरित क्रांति आरंभ हुआ था। बिहार के शाहबाद भोजपुर जिले को भारत सरकार में हरित क्रांति आरंभ के लिए चयन किया। बिहार राज्य में हरित क्रांति के कारण धान का क्षेत्र
फल घटा है जबकि गेहूं का क्षेत्रफल बढ़ा है। यानी कि जब हरित क्रांति हुआ था तो धान का क्षेत्रफल घटा था मगर गेहूं का क्षेत्रफल बढ़ा है। देश के कुल बेरोजगारी व्यक्ति 6.66% बिहार राज्य में निवास करते हैं। बेरोजगारी बिहार में कुल श्रम शक्ति का 2.32% बेरोजगार है जबकि भारत वर्ष की कुल श्रम शक्ति 2.8% बेरोजगार है। प्रति व्यक्ति दूध का उत्पादन बिहार में 37.37 किलोग्राम होता है। बिहार में प्रथम आधुनिक उद्योग 1904 में मढ़ौरा में चीनी उद्योग के रूप में स्थापित किया गया। बिहार में वृहत एवं मध्यम स्तर के औद्योगिक इकाइयों की संख्या 248 है, वृहत और मध्यम। बिहार में लघु उद्योग की संख्या 1261 है जिनमें सर्वाधिक पटना, भागलपुर और नवादा जिले में है। नवादा जिला चीनी उद्योग बिहार का सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण कृषि उद्योग है। चीनी उद्योग चीनी मिल की स्थापना के प्रयास से 1841-42 में डच कंपनी द्वारा तथा 1899 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा हुए जो असफल रहा। 1904 में सफल कारखाना की स्थापना मढ़ौरा में हुई। स्वतंत्रता के समय भारत में 56 चीनी मिल में से 23 बिहार में थे। 56 में से भारत में यानी 23 बिहार में थे। 1948 में भारत के कुल उत्पादन का 22.7% चीनी का उत्पादन बिहार करता है। वर्तमान में बिहार मात्र 2.03% चीनी का उत्पादन करता है। अधिकांश चीनी मिलें पश्चिम चंपारण में हैं। सिवान, सारण, गोपालगंज, दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर में अवस्थित हैं। जूट उद्योग उत्तरी पूर्वी बिहार में केंद्रित है जहां जूट कृषि की अवधारणा दशाएं जैसे अधिक वर्षा, अधिक तापमान, जलोढ़ मिट्टी आदि उपलब्ध हैं। जूट का प्रमुख उत्पादन पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया है। जूट उद्योग की मिले कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, समस्तीपुर, दरभंगा आदि जिलों में है ये जूट का। नेक्स्ट देखिए प्रमुख जूट मिले निम्नलिखित में देखिए नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन कटिहार में है। जूट मिल्स लिमिटेड कटिहार में है। गोपाल जूट इंडस्ट्रीज प्राथमिक लिमिटेड दरभंगा में है। रामेश्वर जूट मिल्स समस्तीपुर में। मौर्य जूट इंडस्ट्रीज प्राथमिक लिमिटेड तो नालंदा में है। वस्त्र उद्योग बिहार का परंपरागत उद्योग यानी परंपरागत मतलब कि जो पूर्वज के द्वारा चलता आ रहा है। सूती वस्त्र के कारखाने गया, फुलवारी शरीफ में है। इसके अतिरिक्त छोटी छोटी मिलें मुजफ्फरपुर, मुंगेर, भागलपुर, किशनगंज, बिहार शरीफ और मधुबनी में भी है। बिहार में होजियरी तैयार करने की छोटी बड़ी फैक्ट्री है और फैक्ट्रियाँ हैं। ये अपने उद्योग के लिए सूत अहमदाबाद एवं कानपुर में से मंगवाती है। बिहार राज्य में केवल तसर तथा अंडी रेशम का उत्पादन होता है। भागलपुर में रेशमी वस्त्रों का उत्पादन होता है। भागलपुर में बेगूसराय तथा समस्तीपुर जिले में उच्च कोटि का तंबाकू उत्पादन होता है। इंपीरियल टोबैको कंपनी का सिगरेट कारखाना मैंगो मुंगेर जिले में दिलवालपुर में है। बिहार में बिहार शरीफ, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, पूर्णिया इत्यादि में वीरी बनाने का कार्य कुटीर उद्योग के रूप में होता है। लकड़ी उद्योग के अंतर्गत लकड़ी चीरने, फर्नीचर बनाने तथा प्लाईवुड बनाने के कारखाने सम्मिलित हैं। लकड़ी उद्योग का विकास मुख्यतः हिमालय के तराई और मैदानी क्षेत्रों में हुआ। तराई क्षेत्र में नरकटियागंज, जोगबनी, वैरगनिया, जयनगर और वगाहा तथा अन्य मैदानी क्षेत्र में लालगंज, हाजीपुर, गोपालगंज, पटना, दानापुर, फतुहा, भागलपुर इत्यादि प्रमुख हैं। हाजीपुर का प्लाईवुड कारखाना बृहत्तम आकार का है, बड़ा यानी कि है। कागज उद्योग का विकास डालमिया नगर, समस्तीपुर, दरभंगा, पटना, फुलवारी शरीफ, बरौनी, वगहा इत्यादि में है। कागज बनाने का विकास ही डालमिया नगर का कारखाना कैमूर पहाड़ी के वन से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित है। ठाकुर पेपर मिल्स लिमिटेड समस्तीपुर में स्थित है जो वर्तमान में बंद है। मेसर्स नॉर्थ बिहार पल्प पेपर कंपनी वगहा और बरौनी पेपर इंडस्ट्रीज रुग्ण है। मेसर्स आर्यभट्ट पेपर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड दरभंगा और मेसर्स भवानी पेपर मिल्स प्राथमिक लिमिटेड फुलवारी शरीफ बंद हो चुके हैं। लाह उद्योग की स्थापना गया तथा पूर्णिया में की गई है। लाह उद्योग की लाह पलाश, वैर और कुसुम के पेड़ों पर पाए जाने वाले कीड़ों से प्राप्त होता है। लाह से ग्रोमोफोन की रिकॉर्ड, चूड़ियाँ, पॉलिश के सामान तथा अन्य पदार्थ बनाए जाते हैं लाह से। बिहार के लगभग सभी सीमेंट कारखाने सोन नदी के किनारे अवस्थित हैं। सीमेंट उद्योग के मुख्य केंद्र बाजारी डालमिया नगर, कल्याणपुर आदि में है। वन जाड़ी रोहतास में पोर्टलैंड सीमेंट का उत्पादन होता है। पटना जिला
में वीटा में मोशेस निवान सीमेंट लिमिटेड तथा मैसर्स व्रज सीमेंट लिमिटेड कार्यरत हैं। बिहार में इंजीनियरिंग उद्योग की शुरुआत मुजफ्फरपुर में अर्थ वटलर कंपनी की स्थापना से हुई, जिसमें रेलवे वैगन बनाए जाते हैं। मोकामा में भात वैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड की स्थापना की गई, जिसमें माल ढुलाई के डिब्बे तथा रस्सी के तौर पर तैयार किए जाते हैं। जमालपुर रेलवे वर्कशॉप में रेलवे सामग्री बनाई जाती है। जमालपुर में ट्रक और बस की बॉडी बनाने के अन्य कारखाने फतुहा, पटना सिटी, दीदारगंज और बाईपास रोड पर हैं। बिहार का सबसे बड़ा रासायनिक खाद कारखाना बरौनी में हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से विख्यात है। पूर्णिया में इन्वेस्टी इंसेक्टीसाइड्स लिमिटेड है, जहाँ कीटनाशक दवा बनता है। डालमिया नगर के रोहतास इंडस्ट्रीज में कास्टिक सोडा, हाजीपुर के सुनील पॉली प्लास्टर में प्लास्टिक सामग्री, फतुहा में नेक्रो केमिकल में सोडा डिकोरेट, बरौनी के रंजन केमिकल्स में सल्फ्यूरिक एसिड तथा ग्रेनुलेटेड फर्टिलाइजर कंपनी में ग्रेनुलेटेड खाद, बरौनी तथा हाजीपुर में केमिकल्स तथा दवाइयाँ, वाका में स्प्रिट, औरंगाबाद में प्लास्टिक, रीगा में एल्कोहल बृहद पैमाने में बनाया जाता है। बरौनी तेल शोधक कारखाना 1964 में सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया था। वर्तमान समय में बरौनी तेल शोधक कारखाना भारतीय निगम के अधीन है। बरौनी तेल शोधक कारखाने को कच्चे पेट्रोलियम की आपूर्ति असम क्षेत्र तेल क्षेत्र से की जाती है। बिहार राज्य सरकार ने बिहार में हथकरघा, पावरलूम और दस्तकारी के सामानों के उत्पादन और वितरण के लिए बिहार में स्टेट हैंडलूम पावरलूम हैंडीक्राफ्ट्स डेवलपमेंट निगम की स्थापना की। बिहार स्टेट हैंडलूम पावरलूम हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट निगम का मुख्यालय पटना में है। अब देखिए बिहार राज्य का कुल जनसंख्या तो 10,40,99,452 है। पुरुष जनसंख्या क्या है तो 5,42,78,157 यानी कि प्रतिशत में पुरुष देख लीजिए तो 52.14% कुल जनसंख्या। महिला में कितना है तो 47.86 यानी 4,98,21,295। बिहार में 0 से 6 वर्ष की आयु की जनसंख्या कितनी है तो 191,33,964। जनसंख्या के दृष्टि से भारत में बिहार राज्य तीसरा है, ठीक है। पहला यूपी है, दूसरा मुंबई महाराष्ट्र है, उसके बाद तीसरा में क्या है बिहार। जनसंख्या के दृष्टि से पटना की जनसंख्या सबसे अधिक है और इसके बाद पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी है। जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा जिला शेखपुरा है, इसमें ऊपर क्रम से शिवहर और अरवल जिले हैं। बिहार में 3 ऐसे जिले हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से कम है, जैसे शेखपुरा, शिवहर और अरवल 10 लाख से कम है। बिहार में 2001 से 11 दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि 25.4% रही है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, धन्यवाद।